रुक तेरे को बताते। मुझे अपने घर जाना है। कभी कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया है। गाइस मस्त एक और ब्रांड न्यू जानदार शानदार वाला वीडियो लेके। तो भाई आज का वीडियो में ना एक ही सीन था जो मेरा मूड था ना, वो करो या मरो। अब करो या मरो क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि भाई मेरे को ना इतने ज़्यादा बंदे मार देने का मन कर रहा था ना भाई, कुछ भी करना है ये वाले गेम में ना, जो नेक्स्ट लेवल के बंदे मारने वाले ना भाई। एंड में तो ये होता है भाई, अलाइव कम बंदे होते हैं और उससे ज़्यादा भाई मेरे किल हो जाते हैं। तब जल्दी देखो, मैं इधर ही आसपास उतर गया था क्योंकि भाई मेरे को ना ज़्यादा लूट करनी नहीं थी, मेरे को सिर्फ और सिर्फ बंदे मारने। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था करो या मरो, अब देखते हैं अपने ये वाला गेम में कितना कर पाते हैं और कितनी बार मरते हैं। खैर अभी मैं रोजो का आ चुका था। अब रोजो में जैसे ही आता ना भाई, ओल के ऊपर ना एक राज नाम से कोई बंदा था, वो बंदा बोल रहा था कि रोजो का आ जाना जिसमें दम हो। तो भाई मैं सोचा कि चलो ये बंदे के पास ही चलते हैं। मैंने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था वो वाला बंदा इधर आएगा। खैर मैं जैसे इधर आता हूँ, मेरे को ना भाई पीछे लाल वाले घर में बंदों की आवाज़ आ जाती है। मैं कहूँ चलो ये वाले बंदे को पकड़ते हैं। और इस वक्त है ना भाई, जो मेरा माइक होता है वो ओल के ऊपर होता है, और जैसे ही वाले बंदे के पास जाता हूँ ना भाई, ये वाला बंदा देखना जो मुझे ट्रोल करता है, मतलब भाई बंदा ना कितना बोलता है देखना। मुझे एकदम से बोलेगा कि आजा, अगर तेरे में दम है तो तू ऊपर आ जा, तू डर क्यों रहा है। तो मैं यहाँ पर गेट वगैरह तोड़ने का ट्राई कर रहा था, तो भाई ये वाले बंदे ने ग्रेनेड कर दिया था। खैर उसका तो देखो कोई भी असर नहीं होने वाला अपने ऊपर। हाँ तो अबे तो है क्या? चल आ जा फाइट ले। तब ये वाला बंदा भाई अपना अभी डर गया था, वो ये बंदा बोल रहा था भी हैक वगैरह है क्या, क्योंकि अब वो ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि मैंने जाती ना उस बंदे को बोला कि तेरा नाम राज है क्या। तभी वो बंदा बोल गया भाई तेरे पास है क्या, यहाँ पर मेरे पास एक ही ग्रेनेड होता है, ये वाला ग्रेनेड जैसी करता हूँ वैसी मैं डायरेक्ट उसको मारने के लिए ऊपर चल जाता हूँ। तो भाई आपने भी सुन लिया होगा, वो बंदा एंड में बोलता है ओह भाई। तो भाई मैं ये वाले बंदे को मेरा यूट्यूब का चैनल का नाम बता देता हूँ, और अगर आप भी वीडियो पे फर्स्ट टाइम है, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपने ऐसे सोलो की जानदार शानदार वीडियोस लाते रहते, और ये वाले बंदे को मैंने बोला था भाई वीडियो को जाके जरूर देखना। तो भाई जल्दी से गाड़ी निकालते और गाड़ी निकाल के अपने बंदे मारने के लिए निकल जाते। इतनी देर में यहाँ पर एक बोट आ जाता है, तो भाई बोट को मारने के चक्कर में ना मेरी गाड़ी और अटक जाती है। खैर ये गाड़ी को तो छोड़ते हैं, आगे मैंने एक बग्गी देखी थी, जल्दी से बग्गी उठाते हैं और जोन की तरफ निकल जाते हैं। तो भाई अब जोन की तरफ जाने का मेरा मेन मकसद ये था कि भाई मेरे को ना कोई ड्रॉप लूट लें। अगर मेरे को ड्रॉप मिलता तो भाई बढ़िया, अपनों को लेवल 3 का सामान बहुत ही शानदार वाला मिल जाएगा। तो भाई ड्रॉप के चक्कर में आया था, बट भाई ड्रॉप तो मिलता है नहीं। इतनी देर में यहाँ पर है ना एक बग्गी आके रुकती है नीचे वाली साइड। तो भाई शैक के पास रोकते हैं अपनी गाड़ी और सामने बंदा देखते। देखो भाई स्टार्टिंग में तो मेरे को बंदा दिखता है नहीं, तो भाई जैसे बंदा भाई ये बंदा जैसी बग्गी लेके जा रहा होता भाई, इसकी बग्गी पे तो वही फायरिंग वगैरह देता नहीं, खाली इस बंदे को मैं हिट करता हूँ और ये वाला किल भाई अपनों को बहुत ही बढ़िया तरीके से मिल जाता है। ये वाले बंदे की बात देखते हैं कि अगर अपनों को बढ़िया लूट मिलती है, हेलमेट वेस्ट भाई ठीक ठाक मिल जाता है, तो भाई डायरेक्ट ही बंदे मारने के लिए निकलेंगे। तो भाई यहाँ पर आता हूँ भाई, देखो ये जो ग्लिच होते हैं ना ये खाली एंड्रॉयड में ही होते हैं। तो भाई वहाँ पर तो अपनों को हेलमेट वेस्ट मिलता है नहीं, तो सामने देखो सामने आता है ड्रॉप। तो भाई जल्दी से चलते, अब मेरे से पहले ना एक बंदा आ जाता है, ठीक है मेरे सामने आता है। तो भाई देखो यहाँ पर शैक के पास रोकता हूँ ना गाड़ी। देखो स्टार्टिंग में तो मेरे को उस बंदे का एंगल आया था, बट भाई थोड़ी देर के बाद एंगल बिल्कुल भी नहीं आने लगता। अब राइट में जैसे जाऊँगा भाई, राइट में ना प्रॉपर उस बंदे का एंगल आता है और वो वाले बंदे को देखना 1 से 2 गोली के अंदर ही मार देते हैं। तो भाई यहाँ पर मेरे को भी नहीं समझ आया, मैंने ये वाले बंदे को मारा तो मारा कैसे। खैर वो वाला बंदा तो मर चुका है। अब देख बहुत ही बढ़िया लूट अपनों को मिलने वाली है, तो जल्दी चलते हैं। अब इसके अंदर मेरे को ग्रोजा मिल जाती है, जो कि भाई मैं एंड जोन में जाके छोड़ देता हूँ, क्योंकि भाई मेरा ना गेम बहुत ज़्यादा लैग हो रहा था। तो मैं सोच अपने ना एक में चला लेते हैं यार ग्रोजा, वैसे ही मेरा चलाने का मन बिल्कुल भी नहीं था। तो जल्दी से अपने पेटी वगैरह लूटते हैं, और यहाँ पर भाई मैं मेरी गाड़ी निकालता हूँ और डायरेक्ट ना पहाड़ी की तरफ जा रहा था। पहाड़ी के ऊपर है ना एक ना M24 वाला बंदा होता है, जो कि भाई मेरे को स्मोक के अंदर ही मार रहा होता है। खैर वो वाली चीज़ मैंने दिखाई नहीं, क्योंकि भाई अपनों को बंदे मारने हैं और मारेंगे बढ़िया तरीके से। आप देखो जैसे ही देखो ये वाले बंदे को ना स्टार्टिंग में गाड़ी से कुचलने का ही ट्राई करता हूँ,
बट भाई ये बंदा ना दो बार रह जाता है। मैं को यार मतलब थोड़ा थोड़ा गैप रह रहा था, मेरे को लगा कि काम करते हैं गाड़ी रोकते हैं और ये वाले बंदे को मारते हैं। भाई यहाँ पर जो ग्रोजा की पावर है ना वो तो सबको ही पता भाई, नेक्स्ट लेवल है। तो जल्दी से ये वाली पेटी भी लूटते हैं। बढ़िया भाई अपने पास भाई हेलमेट वैस सारा कुछ था। तो भाई वो वाली बग्गी में भाई ऑलरेडी फ्यूल भाई थोड़ा सा पड़ा था, तो भाई मैं उसका क्या करता, तो मैंने उसको ना बीच रास्ते में छोड़ के दूसरी गाड़ी उठा ली। अब यहाँ पर देखना जो गंदी फाइट होने वाली है ना भाई, यहाँ पर मैं ब्रिज के पास आता और जोन भी भाई फेरी पेर वाली साइड ही बन रहा था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं जैसे ही आता हूँ, देखो भाई स्टार्टिंग में ना मेरे को कोई भी नहीं लग रहा, बिल्कुल सन्नाटा है, बिल्कुल सन्नाटा। मैं कोई यार इधर कोई बंदा नहीं है, नीचे बग्गी तो खड़ी है, तो भाई ये बग्गी मैं यार इधर होना चाहिए, कोई ना कोई तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं अपने ना थोड़ा सा क्लोज से निकलता हूँ ना, जैसे वैसे भाई आपके भाई को आवाज़ आ जाती है, मैं को ऊपर कोई ना कोई तो है। अब ये वाले बंदे के साथ मेरी फाइट देखना, ये बंदे को भाई कैसे रोटेट करके मारते हैं भाई। ये वाले बंदे का आ जाता है रीलोड, जो कि भाई बहुत ही खतरनाक वाला, ये वाले बंदे को मारा है ना उन्होंने, मतलब भाई नेक्स्ट लेवल। तो भाई जल्दी से वाले बंदे को मार के ना मैं उसकी बगी लेके निकल जाता हूँ, क्योंकि मेरे को गाड़ी चलाने का ना वो बेकार सी गाड़ी लगती है मेरे को। और तो जो मेरी ग्रोजा थी वो भाई मैं AKM के साथ कर लेता हूँ एक्सचेंज, क्योंकि भाई ग्रोजा मैं मानता हूँ कि भाई बेटर करना है, बट भाई मेरा माइंड उस वक्त कुछ और ही सोच रहा था। मैं सोचा यार AKM ही चलाते हैं, AKM पावर मेरे को बेस्ट लग रही थी। वैसे भाई मैं आपको भी बताता हूँ भाई, ग्रोजा AKM से बहुत ही ज़्यादा गुना अच्छी है। तो भाई आप देखो, अब यहाँ पर AKM तो लेके आ चुका था, बट इतनी देर में ना यहाँ पर दो बंदे दिख जाते हैं। तो भाई ये वाले बंदे ने जो मुझे मारा है ना भाई, यहाँ पर तो ना एक मतलब मुंह के ऊपर थप्पड़ पड़ जाता है ना, वो वाले सीन है। बट भाई कोई दिक्कत नहीं, अपने भी उसके बंदे के मुंह के अंदर है ना बॉम ही मारेंगे। तो यहाँ पर बंदा भाई फाइट लेने के मूड में था, मैं भी भाई पूरा ही फाइट लेने के मूड में था। यहाँ पर जितने भी ग्रेनेड वगैरह थे सारे भाई अपने फेंकने लग जाते भाई। यहाँ पर एक ही चीज़ का डर था कि भाई कोई बंदा ना थर्ड पार्टी ना कर दे, अगर कोई बंदा थर्ड पार्टी करेगा तो भाई पूरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर कंटिन्यू भाई मोली वगैरह करने लग जाता हूँ मैं भाई, जो ये वाला ग्रेनेड होता है ये परफेक्ट फटता है, वो वाला बंदे मेरे ऊपर ग्रेनेड कर रहा होता है और ये वाला भाई धमाका करता है उसके डायरेक्ट। मैंने आपको बोला था ना भाई, अगर उसने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा तो भाई ये वाला बॉम ना डायरेक्ट उस बंदे के मुंह में डाल दूंगा। तो भाई देखो पूरा मुंह फट जाएगा उसका। खैर अपने चलते हैं इधर से जीप वाले को मारने के लिए। तो भाई वो वाली पेटी लूट रहा था, तो इतनी देर में ये जीप वाला ना भाई मेरे को मारने लग जाता है। तब ये जीप वाले को देखना, स्टार्टिंग में तो मेरे को रुक के मार रहा था, जैसे ही मैं ये वाले बंदे के पास जाता हूँ ना भाई, बंदा अपनी जीप निकालता है और इधर से निकलता है। पर भाई ये वाले बंदे की फाइट देखना आप, तो भाई मेरे को तो समझ ही नहीं आया बंदे ने गेट इन करा या ड्राइव किया, क्या ही किया भाई, बिल्कुल नीचे ऊपर हो रहा था। बट भाई ये वाले बंदे को अपने ने बहुत ही शानदार वाले तरीके से मारा है। तो भाई बंदों को ना हैंड टू हैंड मार के ना अपने निकल रहे थे, कहीं पर भी रुक नहीं रहे थे। इतनी देर में देखो ये बंदा मिल जाता है मेरे को। तो भाई ये वाले बंदे को भाई देखो टायर ही टूटे हुए थे गाड़ी के। तो भाई मेरे को पता था ये वाला बंदा उतरेगा, मैंने पहले उधर एम लेके स्टार्टिंग में ही फायर देने लग जाता हूँ। इतनी देर में जोन बन चुका था, तो भाई जल्दी जोन में चलते हैं। अब जोन के ना बिल्कुल भाई सेंटर में ही जाना था मेरे को, क्योंकि भाई उधर ही बंदे आएंगे, उधर से सारे बंदों की लोकेशन अपनों को मिलने वाली थी। तो अब देखो जो सामने वाला घर था ना, इस बंदे को पता लग गया था मैं इधर आ चुका हूँ, तो भाई ये वाला बंदा ना मुझे स्टार्टिंग में ही फायरिंग दे देता है भाई। आप देखो अब ये ना सोलो के ना सिग्नल है, अगर ऐसे कोई बंदा फायर देना है इसका मतलब है वो बंदा ये बताना चाहता है कि भाई मैं इधर ऑलरेडी बैठा हूँ, तू कहीं और चल जा। बट भाई अपनों को तो फाइट लेनी थी। तो भाई ये वाले बंदे के पास जैसे आता हूँ, इतनी देर में ना एक और बग्गी आ जाती है। तो मैं सोच लिया था ये बग्गी वाला ना ऊपर जाने का सोचेगा और ये वाले बंदे को ना मैं ही मार दूंगा। तो भाई देखो इधर वेट करता हूँ भाई, मैं वेट करता हूँ ये वाला बंदा ना जल्दी से अंदर आए और ये वाले बंदे को मारूं। तो भाई ये वाले बंदे को तो भाई कुछ पता ही नहीं होगा भाई, ये बंदा आया तो आया कहाँ से, ये वाले बंदे का बहुत ही बुरा सीन हो जाता है। तो भाई ये वाले बंदे को तो मार दिया था मैंने। अब देखो यहाँ पर है ना रुकने का एक सबसे बढ़िया तरीका है, देखो जो राइट में ना बिल्कुल छोटा सा कमरा बना हुआ है उधर जाके रुक जाओ। बट भाई अपनों को मारने था बंदा, तो भाई ये वाले बंदे को ना एक ही ग्रेनेड करता हूँ। तो भाई यहाँ पर आराम से मैं बैठा होता हूँ ना, इतनी देर में मेरे को ये वाले बंदे की ना ऊपर से आती है आवाज़ कि ये बंदा ना बिल्कुल राइट वाली साइड लेटा हुआ है। तो भाई क्यों ना ये वाले बंदे को अपने ग्रेनेड करते हैं। बट भाई जैसी मैं ग्रेनेड करता हूँ ना, वैसे ही वो वाला बंदे मुझे ग्रेनेड करने लग जाता है भाई। ये वाले ग्रेनेड की आपने टाइमिंग देखी थी क्या, लास्ट वाला सेकंड होता ना भाई, लास्ट वाला सेकंड भी चल चुका था तो जाके वाला ग्रेनेड भाई मैंने छोड़ा। तो भाई मेरे को पता नहीं भाई, मेरी ना यही वाली आदत है बिल्कुल लास्ट वाले टाइम पे जाके मैं ग्रेनेड छोड़ता हूँ। तो भाई यहाँ पर अपना होना बहुत ही बढ़िया लूट मिल जाती है, नीचे भी एक पेटी पड़ी है, ऊपर भी एक पेटी पड़ी है। अब जो आसपास वाले बंदे हैं उनको मारने की देरी है।
भाई यहाँ पर एक डासी रहते बट इतनी देर में ना दूर से ना एक ग्रोजा वाला बंदा दिखता है, तो भाई ये वाले बंदे को भी अपने मार देते हैं भाई। यहाँ पर है ना मेरे 12 किल हो जाते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का वेट करना था, वो था जोन बनने का। बट भाई जितना साथ जोन ने देना था वो भाई दे चुका था। तो भाई सामने देखो एक बंदा आता है, बट भाई ये वाला बंदा भी भाई प्रॉपर जोन में आने के सोच रहा था। तब देखो यहाँ पर है ना अपने बहुत ही बुरा फंस चुके थे, मेरे को जोन में जाना था। तो अभी जो पीछे वाला बंदा मारा था भाई, वो वाला बंदा पीछे से पता नहीं किसकी गाड़ी लेके आता है। तो ये सामने देखो, सामने मुझे बंदा स्पॉटेड हो जाता है। तो अब यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली थी अपनों को, क्योंकि भाई जोन में जाना था। तो भाई पहले मैं स्मोक कर देता हूँ, अब यहाँ पर अपने बस्ते देखना कैसे है भाई। अगर मैं यहीं पर ही स्टार्टिंग में अटैकिंग के लिए खेलता ना तो भाई बहुत ही बढ़िया गेम, मैं ये सामने वाले को मार देता और ये वाला गेम है ना अपने चिकन मार लेते। देखो भाई वो वाला बंदा ओपन आ जाता है, बट भाई काफ़ी ज़्यादा डैमेज मुझे लग चुका था भाई। फिर भी मैं इधर रुक के ना हील कर लेता हूँ, ठीक है, प्रॉपर हील कर लेता हूँ और ये वाले घर के अंदर रहना चल जाता हूँ भाई। ये वाले बंदे को ना प्रॉपर मैं रीड कर रहा था, ये वाला जैसे हील होता है अब मैं कहूँ अब आ जाता हूँ, अब कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो जैसे इधर आता हूँ तो भाई यहाँ पर मेरे को समझ ही नहीं आया यार ये मैं मरा कैसे भाई, मेरे को भाई बिल्कुल भी नहीं आइडिया नहीं था भाई ये वाला बंदा मुझे मार देगा। बट भाई यहाँ पर है ना मैं बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो चुका था। पैनिक का कारण भाई आप सबको पता है भाई, एक तो हील लगाना, ऊपर से जोन में जाना। खैर वो वाला बंदा भी भाई हैंड टू हैंड मर जाता है, पीछे से कोई क्वीन नाम का बंदा या बंदी जो भी था, ये देखो ये बंदा उसको मार देता है। तो गाइस अगर आपको आज की वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपने ऐसे सोलो की जानदार शानदार वाली वीडियो लाते रहते हैं। ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਤੂੰ ਪਰਾਂ ਤੇ ਰੋੜਦੀ ਰਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਦੋਂ ਹੁਣੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਏ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ।